अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मज़र और आप देख रहे हैं मज़र के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मैं जाने लगा हूँ बागपतन। नईम और आसिफ भाई आ रहे हैं उधर पक्की मोड़ से, मैंने पहुँचना है माछीवाल फाटक पे, मुझे पिक करेंगे और हम निकल जाएंगे बागपतन के लिए। अभी मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ, 6 बजे का टाइम है तकरीबन, तो नाश्ता भी कहीं रास्ते से करेंगे। तो चल दिए निकलते हैं। तो गाँव से मैं पैदल ही निकल आया था, ये पीछे मेरे गाँव का जो रास्ता जा रहा है, तो मैं अभी ट्यूबवेल पर अपनी ट्यूबवेल पर आया खड़ा हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये जगह देखनी थी क्योंकि यहाँ से मैंने मिट्टी उठवाई थी और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी जो जमा हो चुका है ना, पानी जो जमा हो चुका है उसकी वजह से ये नीचे जगह हो गई है और ये मिट्टी डलवानी है हमने। मैंने उस बंदे से मिलना था, कल भी मिल नहीं पाए, बारिश आ गई थी, तो आज इंशाल्लाह मिलेंगे। आज तो उधर जा रहे हैं, अब्बू को कह दिया कि वो मिलेंगे। इधर 100 ट्राली जो है मिट्टी की डलवानी है, तकरीबन मैक्सिमम 200 ट्राली मिट्टी की इधर डलेगी क्योंकि इधर हमने फॉर्म बनाना है इंशाल्लाह जल्दी। तो मैंने कहा थोड़ा इसको देखते हैं, अभी देख लिया, अभी निकलते हैं आगे के लिए, उधर चलते हैं फाटक पे। नईम भाई और आसिफ भाई पक्की मोड़ से निकल आए, शाद भाई भी पहुंच चुके हैं, ये हमारे नए ग्रुप मेंबर हैं। और आसिफ भाई को तो आप पहले से ही जानते हैं, आसिफ भाई कैसे हैं? हेलो एवरीवन। और ये जो शख्स है ना, ये बंदा जो है, इसकी वजह से आज हमें बहुत वेट करना पड़ा, ये हर बार ही बहुत वेट करवाता है। अपने सारे काम खत्म करके ये बंदा फिर आता है और इतना तंग करता है ना यार, क्या बताऊं, सबसे लेट यही बंदा आता है। माशाल्लाह से कितना औसम जो है वेदर इधर बना हुआ है, अभी बादल बने हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। एक भूख लगी है बहुत अखीर की और एक इस बंदे ने वेट बहुत करवाया, बहुत वेट करवाया। मैंने बता दिया कि हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होना चाहिए, होना नहीं चाहिए ये आपको ये वाली जो है हैसियत है ना, ये वाली आपको दे सकते हैं, आप बहुत वेट करवाता है यार ये बंदा। यार मजबूरी थी, माजरत है यार। नहीं, जब कुछ सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा किसी और को, सेक्रेटरी साहब को, कि यार नईम साहब से मिलवा दो, मिलवा दो। लेकिन मैंने रीज़न बता दिया, यही रीज़न था और कोई नहीं था। अच्छा जी, ये एक होटल पे आए हैं जी, इधर नईम साहब हमें लेके आए हैं, इधर से हमें करना है नाश्ता, नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे आगे, अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करेंगे। नाश्ता करते हैं, चलिए। नाश्ता कर लिया जी, नाश्ता करने के बाद फ्री हो गए आसिफ भाई, लोग निकल गए हैं तो फैलाबाद के लिए, उन्होंने तो फैलाबाद थोड़ी देर के लिए रुकना है और हम दोनों भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो फैलाबाद थोड़ा रुकेंगे और फिर हम आगे जो है वो अपना बागपतन वाला जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। तो फैलाबाद में रुके हैं जी, ये तो फैलाबाद पीछे जो मेजर तो फैल मोहम्मद शहीद कब्र बनी हुई है वहाँ पर रुके हुए हैं। आसिफ भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं, मैंने तो पहले बनाई हुई है, और नईम भाई भी उधर ही गए हुए हैं, तो मैं यहाँ छाँव पर रुका हुआ हूँ। और अभी हम आगे बागपतन के लिए निकलेंगे, कह रहे हैं कि पहले जाना है मलका हाँ कस्बा है वहाँ पे, या फिर हम दरबार पे जाएंगे, देखते हैं। अरे वो तो वहीं जाके डिसाइड होगा, अभी यहाँ पे खड़े हैं भाई लोग, सभी वीडियो बना रहे हैं पीछे, ये देखें आपने, ये यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्राइम बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। ये चेक करें, फोकस कर भाई फोकस कर, ये चेक करें। और इधर ये बैठने के लिए जगह बनी हुई है, ये भी मैंने वीडियो में दिखाई है, जब मैं आया था तब मौसम बहुत अच्छा था और उस दिन बारिश हो रही थी। ये एक गांव को रोड जा रहा है और ये पीछे जो है कब्रिस्तान है वो सामने। हम आरिफ वाला में एंटर हुए हैं, तो यहाँ से भाई से हमने कैब मैंने ली है और मैंने मास्क लिया है, और नईम साहब ने जो है वो एक चश्मा लिया है लेके। हम अभी थोड़ा सा आगे निकलते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कहीं से चल के पानी पीते हैं। नाश्ता किया था तो पानी उसके बाद मैंने वहीं पर पिया था, बाद में पिया नहीं, अभी पानी लेके पी रहा हूँ। इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तकरीबन ठीक है पानी। यहाँ पे जमाल चौक में बैठे हैं जी, आसिफ भाई जो हैं वो पीछे हैं, वो भी आ रहे हैं। यहाँ जमाल चौक में बैठे हैं, यहाँ से भी देखते हैं कि हमने बाबा फरीद दरबार की तरफ बागपतन जाना है या मलका हंस की तरफ जाना है। तो अभी जैसे वो आते हैं तो फाइनल करते हैं, यहाँ पे एक शॉप पर बैठे हैं, वो जैसे आते हैं फाइनल करते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। गर्मी काफ़ी है यार, वहाँ पर मौसम ठीक था हमारे यहाँ ना, बारिश हुई इतना ज़्यादा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो मौसम वहाँ पे अच्छा था। हमने डिसाइड किया कि हम मलका हंस की तरफ जाएंगे और जो दरबार है बाबा फरीद और चांद पीर दरबार पे अगर हम जाते हैं तो वो हम उधर से आने के बाद जाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है इसका हमें थोड़ा सा पता भी नहीं है, और हमने उधर फिर खाना भी उधर ही खाएँगे शहर में, तो इस वजह से जो है कि वो हम पहले जो है वो इधर मलका हंस की तरफ निकल रहे हैं, तो चलते हैं मलका हंस की तरफ। ये
एक बारीक सी गली है जो आगे आ रही है और ये सामने मेरे ही मस्जिद है। तो मलकांस में हम एंटर हो गए थे और ये हमारी मलकांस की पहली डेस्टिनेशन है, ये वाली जो जामा मस्जिद है जहाँ पे जो सूफ़ी थे वारिशा उन्होंने जो बुक लिखी थी हीर वो यहाँ पे बैठ के लिखी थी। ये आपको भी दिखाते हैं, भाई लोग बाइक्स पार्क कर लें फिर हम अंदर चलेंगे। यहाँ के इमाम है वो बैठे हुए थे वहाँ पे, हमने मुंह वगैरह धोया और ये पीछे मस्जिद है। ये पीछे मस्जिद है और अभी हम जाएंगे उधर मस्जिद के अंदर, यहाँ पे जूते उतारेंगे। पहले मुंह वगैरह धो रहा था तो काफ़ी डस्ट मतलब जो है वो चढ़ जाती है चेहरे पे सफ़र करते टाइम, तो मुंह वगैरह धो लिया, अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। जी वो मस्जिद आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मस्जिद है और वैसी की वैसी ही खड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे हुआ है। ये देख सकते हैं थोड़ा नीचे है ये मस्जिद, और जो हुजरा है वो इसके पीछे है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी हम चलते हैं मस्जिद के अंदर, अंदर जाके बैठते हैं। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो अंदर थोड़ी देर बैठते हैं रेस्ट करते हैं फिर आपको हुजरा दिखाऊंगा जाके। सभी भाई वो सामने शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो देखें जी अपनी अपनी वीडियोस को लगे हुए हैं। मैं अंदर आके बैठ गया हूँ, ये आपके भाई का बोर ही बिस्तरा पड़ा हुआ है और मस्जिद के अंदर बैठा हूँ। माशाल्लाह क्या सुकून है यार, यहाँ पर पंखा चलाया है अभी, और ये कुछ मस्जिद का व्यू है। मस्जिद कोई भी हो जहाँ पे भी हो उसमें सुकून बहुत होता है, तो बड़ी अच्छी ये तो जगह है क्योंकि ये अभी जो है ये बहुत मतलब नीचे हो चुकी है जगह। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये काफ़ी नीचे जगह है, ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे बैठा हुआ हूँ। और सारे भाई बाहर वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना के आते हैं अंदर, अंदर बैठा हूँ मैं तो। थोड़ा सा आपका भाई आलसी है, गर्मी लगती है तो बैठा हूँ, वो आ जाते हैं अपनी वीडियोस वगैरह बना के फिर हम आगे चलेंगे। आगे जहाँ पे हुजरा जहाँ पे जो सूफ़ी वारिशा थे उन्होंने यहाँ जहाँ पे बैठ के बुक लिखी थी हीर, वो जो जगह है वो ये नहीं है, ये मस्जिद बाद में बनाई गई थी, वो इससे नीचे है आई थिंक या जो भी है वो देखते हैं। हमने तो पहले पढ़ा है और कुछ वीडियोज़ वगैरह में देखा है, तो अभी इमाम साहब से पूछेंगे कि वो जगह कहाँ पर है। अगर वो जगह इसके मतलब के नीचे है तो वो इमाम साहब हमें दिखाएँगे या जो भी यहाँ की इंतज़ामिया है वो हमें दिखाएगी। और बाकी ये वाली जो मस्जिद है ये ऊपर बनी हुई है, उसमें अभी मैं बैठा हूँ, जो वो नीचे वाली जगह है वो भी आपको दिखाते हैं। बाहर जो है वो गेट पे लिखा हुआ है 765 हिजरी में ये बनाई गई, और यहाँ पे मस्जिद के वो ऊपर लिखा हुआ है ये 740 हिजरी में ये मस्जिद बनाई गई। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस दौर में बनाई गई। तो जो यहाँ के इमाम साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 700 साल पुरानी मस्जिद है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो अभी हम उधर जाते हैं जहाँ पे वारिशा ने बैठ के बुक लिखी थी। और अंदर की जानब ये एक हुजरा मौजूद है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। अगर बाहर वाली साइड में देखें तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा पंजाबी का शेर लिखा गया है कि वारिशा वो सदा ही जूदे ने जिन्हें कीतियाँ ने कमाइया ने। और बाहर वाली साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर तीन कबरे भी मौजूद हैं। ये जी पीछे हुजरा शरीफ जहाँ पे वारिशा ने हज़रत वारिशा ने जो सूफ़ी थे उन्होंने बैठ के यहाँ पे बुक लिखी थी, ये पीछे उनका जो पुराना हुजरा है वो ये वाला है, और ये पीछे एक दो कब्रें भी हैं। तो अभी हम जाएंगे हुजरे के अंदर, आपको जाके अंदर से हुजरा दिखाता हूँ। वारिशा ओ सदा जींदे ने जिना कीतियाँ ने कमाइया ने, ये देखें पंजाबी का शेर लिखा हुआ है जिसका आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े जो हैं वो पंजाबी लैंग्वेज के सूफ़ी थे, शायर थे, सूफ़ी शायर थे। ये जी उनका हुजरा है ये वाला, और यहाँ से नीचे भी हम आपको जाके दिखाएंगे जो मेन जगह है यहाँ की, और ये आप देख सकते हैं ये है जी हुजरा शरीफ जो कहते हैं कि आ जाए अंदर आ जाए। ये देखें जी ये है हुजरा शरीफ, ये बिल्कुल ही नीचे ये देख सकते हैं पत्थर लगा हुआ है, सारी टाइल लगी हुई है अच्छी तरह से, और ये है जी हुजरा शरीफ। काफ़ी ठंडी जगह है, ठंडी जगह है ना। ये है जी हुजरा शरीफ, ये बिल्कुल ही यहाँ पे लाइट नहीं है, ये लाइट यहाँ की ख़राब हुई हुई है। ये देख सकते हैं कि ये हुजरा शरीफ है बिल्कुल ही नीचे, और ये काफ़ी ठंडी जगह है, बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी जगह। ये जी हुजरा है जो पीछे मैंने अभी आपको दिखाया नीचे, और ये यहाँ पे एक कमरा है जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे टेबल, ये इमाम साहब का कमरा हो सकता है मुझे लग रहा है। तो नीचे सारे भाई गए हुए हैं और नीचे लाइटिंग नहीं है क्योंकि नीचे वाली लाइट हुई है ख़राब, तो इस वजह से मैं ये हुजरा आपको दिखाया मैंने जी। तो ये जी पीछे हुजरा था,
ये भी हमने देख लिया, दोबारा मुँह हाथ धोएंगे और हम जाएंगे यहाँ से परनामी मंदिर देखना है, और छज्जू वाली वान जो है मलका हंस के एरिए में उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है वो आगे दरबार जो है पाकपतन बाबा फरीद दरबार है उस मेन सिटी की तरफ जाएंगे। क्या नाम है आपका? अली अब्बास, आप इधर ही होते हो? अच्छा, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में देखा है। ये भाई, ये बंदा हर वीडियो में आता है, हर वीडियो में इस बंदे को आप देखेंगे। और सुनाओ अली अब्बास, आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या हिफ्ज कर रहे हैं? ये हिफ्ज कर रहे हैं जी अली। और आप सारा दिन क्या करते हैं? मस्जिद में होते हैं? सही, अली भाई जी मस्जिद में ही होते हैं सारा दिन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अली भाई, थैंक यू। तो जी, मस्जिद में काफ़ी देर बैठने के बाद और यहाँ पे थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाने के बाद हम आगे जाएंगे जो परनामी मंदिर है यहाँ पे, कोई उसको ढूंढते हैं कि वो किस साइड पे है, क्योंकि पतली पतली सारी गलियाँ हैं। ये बाइक्स खड़ी हुई हैं, बाइक्स लेके अभी हम यहाँ से जाएंगे परनामी मंदिर की तरफ। पतली गलियाँ हैं, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, ये देखें, इन बारीक गलियों में जा रहा हूँ। आगे एक भाई ने कहा है कि इधर मंदिर है, देखते हैं उधर है या नहीं, उसी तरफ जा रहा हूँ। पीछे कुछ लेडीज़ आ गई थी तो इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो ये बारीक बारीक गलियाँ हैं जी, और यहाँ पे जो है ये सारी पुरानी, तकरीबन पुराने घर ही हैं इस गली में। बच्चे मंदिर की साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे। आसिफ भाई और नईम भाई जो हैं वो पीछे बाइक्स लेके आ रहे हैं, शाह साहब हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं जी। ऐसे लग रहा है यूरोप की पतली पतली गलियों में फिर रहा हूँ मैं, बढ़िया पाकिस्तान है वो। देखें जी, दूसरे शेर भी पीछे आ चुके हैं, बहुत ही बारीक गली है, मैं आपको दूसरे कैमरे से भी दिखाता हूँ। ये जी मलका हंस की पतली पतली गलियों में ये एक टिब्बा नुमा जगह है जहाँ पे टिब्बा बना हुआ है, और इसके ऊपर ये जो इमारतें हैं ये देखें, ये ईंटें चेक कर सकते हैं, ये सारी पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। नहीं भाई, ये कितना पुराना होगा? 700 साल तक पुराना है। तकरीबन ये 1000 साल तक पुराना मंदिर है, ये देख सकते हैं, ये पीछे मंदिर है, मैं आपको दूसरे कैमरे से इसका सारा व्यू दिखाता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, ये सारा मंदिर का एरिया है। उधर लोगों की रहाइश है, तो उधर हम वीडियो आसिफ भाई परमिशन तो ले तो रहे हैं, अगर परमिशन मिलती है, तो नहीं मिलेगी तो हम इधर से वीडियो बना लेंगे। ये देख सकते हैं, ये है जी मंदिर का बड़ा गेट, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है जी मंदिर का बड़ा गेट, ये चेक करें जी। कोई मिला अंदर की? कोई नहीं, बात की है मैंने जाके तो एक आपी आई हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इधर कोई भी नहीं मिलेगा आपको इस टाइम, सभी लोग काम पे गए हुए हैं और परमिशन नहीं है कि इधर फैमिलीज रहती हैं, तो इधर अंदर जाके हम वीडियोस नहीं बना सकते। बस यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रहिएगा, पाकपतन सिटी की तरफ उधर जो दरबार है उस पर भी जाएंगे और खाना भी वहीं से जाके खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।